सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए वीडियो में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए प्राइमल फियर का एक और नया एपिसोड। प्राइमल फियर के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने टेम कर लिया था सेलेस्टियल स्पाइनो, ओके। और गाइस, आज के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस एपिसोड में हम टेम करने वाले करप्टेड सेलेस्टियल स्पाइनो। यस गाइस, मैं इसको भी इवॉल्व कर सकता हूँ, मतलब उतना भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मेरे को एक करप्टेड नूडल खिला के इसको इवॉल्व करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, वैसे मैं इसको अगर इवॉल्व करूँगा तो इसका डैमेज प्लस करप्टेड का डैमेज, वो अरे भाई वो मेरे को प्लस मिल जाएगा, एक प्लस पॉइंट होगा यार। क्या करें अपन, एक काम कर लेते, एक नॉर्मल स्पाइनो टेम कर लेते, एक करप्टेड कर लेते, और फिर दोनों को एक करप्टेड नूडल के लिए क्या क्या चाहिए। क्या मैं पहले करप्टेड नूडल बना सकता हूँ क्या, ये देख लेते मेरे को, रुक जाओ। करप्टेड नूडल, करप्शन कहाँ पे भाई, ड्रग्स, एरा करप्शन, करप्टेड नूडल क्या बना सकता हूँ मैं। सैप चाहिए, अरे यार रेयर मशरूम है मेरे पास, सैप यहाँ पे, सैप कहाँ पे मिलेगा, सैप मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्टली अपन करप्टेड वाला ही टेम कर लेते हैं, ठीक है? डायरेक्टली जाते और करप्टेड वाला ही टेम कर लेते, क्योंकि अपन के पास सैप नहीं, और मेरे को पता नहीं कि इस मैप में सैप एक्चुअली में कहाँ पे मिलता है। ये सारे ओरिजिन के यहाँ पे डालने दो, ओके। और अगले एपिसोड से अपन भाई, अगले एपिसोड में शायद हम बॉसेस टेम करने वाले हैं। यस गाइस, क्योंकि हमारा ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे बॉस बन सकते हैं, मतलब बॉस वो जो ट्रिब्यूट होते हैं ना, जिसे अपन बॉस टेम कर सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये अल्फा वाला भी बन सकता है और नॉर्मल वाला भी बन सकता है। तो हम अल्फा और नॉर्मल वाले को टेम करेंगे। अबे भाई व्हाट द, एपेक्स वाला बन सकता है, क्योस नहीं, रिच के लिए ऑर्ब चाहिए ना, एंड क्योस ऑर्ब के लिए मेरे हिसाब से सेलेस्टियल के अंडे चाहिए ना, नहीं हाँ, अरे भाई क्योस ऑर्ब भी बना सकता हूँ मैं, एंड स्पिरिट भाई स्पिरिट और अच्छा स्पिरिट के लिए मेरे को सेलेस्टियल के चाहिए होंगे। क्योस में डेम कर सकता हूँ अभी, लेकिन स्पिरिट नहीं डेम कर सकता। क्या मेरे पास अंडा है किसी सेलेस्टियल का? एलिमेंटल एग है, डिमोनिक एग है, सेलेस्टियल मेरे हिसाब से मेरे पास एक भी एग नहीं हुआ सेलेस्टियल का। सेलेस्टियल के अपन ने कोई फीमेल पकड़े नहीं है, एक फीमेल पकड़ी है स्पाइनो या कोई तो फीमेल पकड़ा है अपन ने, लेकिन उसके जब अंडे मिल जाएंगे तब अपन वो और बना लेंगे। चलो कोई ना, अभी अपन निकल लेते हैं भाई करप्टेड स्पाइनो के लिए। करप्टेड स्पाइनो हाई लेवल का हो बस, ओके। स्पिरिट थायलोकोलियो करप्टेड सेलेस्टियल स्पाइनो, ये रहा ना, फुल 20 लेवल का है, मैक्स लेवल का नहीं है, लेकिन चलो काम बन जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन लिख लेता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे टेमिंग के लिए निकलने से पहले गाइज, जो भी नए बंदे गेमिंग विद एनी के चैनल पे, जिन्होंने अभी तक एनी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको दबा के भाई सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइब के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और भाई शायद कल या परसों से एनी के चैनल पे जो है ना, आर्क की वीडियोस तो आती रहेगी, लेकिन आर्क छोड़ के भाई मैं आगे नहीं जा सकता, क्या चीज़ की पूछ है। आर्क छोड़ के अलग अलग जो गेम्स है ना, दूसरे पीसी के गेम्स, उनकी भी वीडियो गेमिंग विद एनी के चैनल पे आना शुरू हो जाएगी, तो भाई मज़े ही मज़े आने वाले भाई। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे हम रुको, पहले लोकेशन कहाँ पे एक बार देख लूँ, 6831। अबे यार ये तो भाई सारे सेलेस्टियल उस वही पे है क्या, वो करप्टेड बायोम में? मैं क्या लेके जाऊँ वहाँ पे, कोई भाई खतरनाक मतलब एकदम उड़ने वाला डायनो लेके जाने का मन नहीं कर रहा मेरे को। मेरे को वहाँ पे लेके जाना है ओविस को, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, इसको लेके चलते हैं ना, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, एंड डैमेज के तो क्या ही कहने। ये देखो बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम, 50 मिलियन तो ऐसे दे देते विदाउट पावर अप, तो क्या भाई कोई छू भी नहीं पाएगा अपन को। चलो भाई ओविस को लेके जाएंगे और तबाही मचाएंगे। अरे जा रे, अरे जाओ रे, ऐसे 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 झगड़ा झगड़ी नहीं करने का बाबा। ओ ये किसका अंडा है, ये टेक वाला पैरासोरस अंडा है भाई, टेक वाला पैरासोरस का अंडा, पैरासोरस का है, स्टेगो का अंडा है, स्टेगो तो वहाँ पे भाई झगड़ा झगड़ी करने में बीजे, या फिर मैं उसका अंडा लेके भाग गया हुआ। फॉल डैमेज ओपी भाई, फॉल डैमेज पड़ने वाला है नहीं भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स, अरे भाई के पास टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, फॉल डैमेज का कोई टेंशन इच नहीं लेने का। कौन है यहाँ पे यार, भाई पेल दिया भाई, मैं इसको मारने के लिए आया था। ओ भाई ये क्या था, ओ ओके ओके, यहाँ पे कोई तो अपना ओरिजिन है क्या, ओरिजिन को पहली पेटी बना दी जाए, यहाँ पे पहली फुर्सत में ओरिजिन को मारा जाए, फिर भी को निकल रहे भाई, जाओ रहे भाई जाओ रहे, ओरिजिन कब, अभी मर नहीं रहा, ओरिजिन मर गया भाई, फिरॉक्स है क्या, अबे मेरा फिरॉक्स मेरे बाजी ऐसे नहीं करा करते रे बाबा, ऐसे भाई झगड़ा झगड़ी नहीं करा करते भाई, इतना का है भाई, इतना का है, शोर मचा रखा है भाई, शांति से रह नहीं सकते क्या तुम? ओके यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना था मेरे को, आई थिंक इधर इस तरफ जाना है ना बाहर जाने के लिए, मैं भूल गया, यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है यार, उजाला ही नहीं यहाँ पे, हो यहाँ पे उजाला है, रुको इसको मारने दो। ओके डन डना डन डन, लोकेशन बताइए सर, लोकेशन है 6831।
68 एंड 31. ओह 31 पे मैं जा रहा हूँ और 68 पे अभी पहुँचने वाला हूँ. वाह नाइस. ओके मैं पहुँच गया ऑलमोस्ट, मतलब समझ लो पहुँच ही गया, समझो हो ही गया भाई. 68 31 ना, 31. हाँ भाई मैं तो वहीं पे उड़ रहा हूँ भाई. तो ये पानी में जाऊँगा तो मेरे को ये हो जाएगा ना, ये क्या वो करप्टेड स्पाइनो, ये तो नॉर्मल करप्टेड स्पाइनो. अबे बाप रे पानी में मेरे को लगा भाई भाई उसको और मेरे को दोनों को ही हो रहा है भाई. मेरे को लगा सिर्फ बकरी को ही थोड़ा सा डैमेज होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. क्यों कैसा है रे, कैसा है, खाना खा के जाना है, तुम्हारा नहीं हो रहा कह रहे क्यों क्यों क्या हो गया तेरे को, जाना लाड़ में लाड़ में भाई. इतने देर तक बैठते हुए भाई देख रहा था मेरे को आराम से. 68 ना, आई थिंक ये उबलता हुआ पानी है ना, इसके कारण ही हो रहा है. कापे कापे सिलेशल वहाँ पे एक ओरिजिन दिखाई दे रहा है मेरे को भाई. सापो रुक जाओ, एरिया क्लियर करने दो पहले. वो रहा ओरिजिन और यहाँ पे मैंने एक सिलेस्टियल भी देखा. क्या वो है ओरिजिन के पीछे जो है वो सिलेस्टियल है आई थिंक. नहीं ये रहा, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा. जय भद्रकाली रुक जाओ. अबे रुको ना, अबे देखो 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 आई सवाल. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको कुछ चाह रही, चल रुक जा ना, निकल कर पहली फुर्सत में निकल. ओके रुक जाओ, इस सिलेस्टियल स्पाइनो को भाई मैं बाहुबली स्टाइल में मारूंगा, मारूंगा मतलब नॉकआउट करूंगा. अगर इसे मैं थोड़ा सा ऊपर मारूं तो वहाँ पे जाने तक एरो वो नीचे गिर जाएगा और उसको पट्टा से हेडशॉट लग जाएगा. कैलकुलेशन देखो मैथ्स में, इसलिए भाई मैं फेल होता था हमेशा. अभी देखो, देखा भाई कैलकुलेशन ओपी बोलते भाई. आजा आजा अबे आजा, मतलब सच में नहीं आने का तेरे बाबा, सच में नहीं आने का. अच्छा वहाँ पे फाइट कर रहा है ना. ओके ओके ठीक है ठीक है, फिर ठीक है. मेरे को लगा सच में आ रहा है क्या मेरे पास. ये ले भाई, मर जा भाई मर जा. कितना हो गया, 1.2. नाइस, एक एक एरो में भाई पहली आराम. ओ भाई ए माफी, माफ कर दे रे. ओ भाई व्हाट द भाई, मेरे को लगा वहां पे फाइट ले रहा है इसलिए मैं नजदीक गया, और ना मैं जाता ही नहीं भाई वहां पे नजदीक. ये क्या मजाक हो रहा है भाई, तुम मजाक कर रहे हो सर भाई. इस बार मैं गैस बग लेके जाएगा. रेंदो रेंदो, बहुत ज्यादा बार मर चुका हूँ, ऐसे नहीं मरना भाई, ऐसे मरना नहीं है वापस से. वेट वेट वेट, गैस बग नहीं, कौन सा लेके जाऊँ मैं, जूस भी इसको लेके जाता हूँ. उनको वैसे वो नॉकआउट हो जाएगा, मेरे वहाँ तक पहुँचने तक वो नॉकआउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. एक मिनट रुक जाओ, मेरे को आर्मर पहनने दो. ये आर्मर किसी काम का नहीं है रे बाबा भाई, नॉर्मल एक सिलेस्टियल से भी नहीं बचा पाता मेरे को. स्किन ड्रॉप. ओके एंड 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 ग्रिफिन कौन लेके चलते, चलो ग्रिफिन कौन लेके चलते. डेथ पूल, लेट्स गो मेरे फ्रेंड, लेट्स गो माय फ्रेंड. निकल लेते भाई, निकल लेते. ओके यहाँ से, हाँ यहाँ पे ही कहीं पे, लेट्स गो भाई. ग्रिफिन कौन, तो एक भाई एक सेकंड में पहुँच गया यार. मेरे को यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगा था. स्पाइकला चालू कर ले. वेयर इज द भाई, कहाँ पे है. ओ ये रहा, ये नॉकआउट हो गया. ओके और बकरी अपनी वहीं पे अभी तक, ठीक है भाई ठीक है चलो. ए बकरी को मार दो, बकरी पैसी हो रही भाई, बकरी पैसी हो रही, बकरी पैसी हो गई आई थिंक. बेच पे चला जा भाई. ग्रिफिन कौन, हियर वी गो लेट्स गो एंड टड़ा, बकरी से अपन टेम करेंगे. चला जा बिंदास. ओके रुक जाओ, कुछ ज़्यादा ही चूल मच रही इनको. ये लो आ गए मजे. इसको फायर अटैक ना पड़े यार. ओके उसको नहीं पड़ रहा, उसको नहीं पड़ रहा वैसे फायर अटैक. रुक जाओ, एरिया थोड़ा सा क्लियर करने दो आजू बाजू का. ओके लेट्स गो, एक मिनट रुक जाओ. ये तो सिलेस्टियल स्पाइनो है, मेरे को करप्टेड सिलेस्टियल चाहिए भाई. भाई मेरे को करप्टेड सिलेस्टियल स्पाइनो चाहिए, नॉर्मल सिलेस्टियल स्पाइनो का क्या करूं मैं, वो तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है भाई. भाई ये क्या मजाक हो रहा है भाई, नॉकआउट करते हो कि मैंने देखा नहीं था क्या ध्यान से. वेट 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 भाई भाई भाई, अरे 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 ग्लिच हो गया भाई, ग्लिच हो गया भाई, ग्लिच हो गया. रुको रुको रुको. ओके हियर वी गो, वेट स्पाइनो करप्टेड सिलेस्टियल स्पाइनो 69 30 पे, ठीक है. और पिछली बार मैं कहाँ पे था, पुरानी लोकेशन अपने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, मैं भी वहाँ पे टेलीपोर्ट मार देता हूँ उनको. इस बार करप्टेड का ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है, पता चला वापस से वहाँ पे वही निकला. 67 32 ओके ठीक है, 69 30 पे ना, ठीक है रुक जाओ देख लेते हैं है कि नहीं वहाँ पे. मैं मतलब इतनी मेहनत भाई बर्बाद, इतनी मेहनत बर्बाद होगी भाई. 69 30 ओरिजिन है यहाँ पे. ओ ये वाला है क्या वो करप्टेड, मैं बोला था इसके पीछे जो है वो करप्टेड है. वो रहा 420 लेवल. ना इस रुक जाओ, जय भद्रकाली. निशाना देखो भाई, तुम्हारे भाई का निशाना देखो, चौक जाओगे. अबे भाई, अबे यार भाई, उसके भाई हथियार को ऐसे टच करके छोड़ रहा था. ले
देखा क्या बोला था, तुम्हारे भाई का निशाना कभी ज्यादा ओपी है। माफी 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 बक निकल पहली फुर्सत में आई भाई, हर बार दिवाली नहीं होती भाई, हर बार कोई भी आके मेरे को बजा के नहीं जा सकता भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो। स्पाइन स्पाइन तो वहाँ पे अटक गया रे बेचारा, बेचारा तो वहाँ पे अटक गया, रे 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 भाई रुक जाओ ओके। अबे यार अबे कहाँ से आ रहे हो तुम इतने सारे पेट्रो, चलो भाई हो गया पावर डाउन और नॉकआउट भी हो गया, पेट्रो को मार के जाता हूँ और मैं इसको दूर छोड़ के जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे उसको बर्निंग अटैक चढ़ जाएगा ना, थोड़ी टेमिंग इफेक्टिवनेस की माँ बहने को जाएगी। वेट ओके ठीक है, आजा आजा ना भाई आजा जल्दी आ जल्दी आ, इसको मारूंगा। हाँ वो दिख रहे हो ऐसे बर्निंग अटैक, वहाँ पे नज़दीक अगर मैं बकरी लेके जाता हूँ ना तो उसको हो जाएगा। ओके ठीक है इसको यहीं पे रख देता हूँ फटाफट से। ओ इसको मेरे को सिर्फ अनकॉन्शियस नॉट टेमेबल, सारा पैसा बर्बाद वेस्ट किया, ये कौन पड़ेगा भाई लोहंडे, ये कौन पड़ेगा कि वो नॉट टेमेबल है भाई, ये कौन पड़ेगा कि वो नॉट टेमेबल है भाई। यार पोपड़ हो गया, यार पोपड़ हो गया, एक काम कर लेता फिर अपने बेस पे जो स्पाइनो है ना उसको अभी करप्टेड करना पड़ेगा। चलो सैप का जुगाड़ में कर लेता हूँ क्योंकि इस मैप पे सैप मिलता है कि नहीं देख लेता हूँ मैं, रुक जाओ गूगल बाबा से पूछ लेते हैं क्योंकि अभी और कोई चारा बचा ही नहीं मेरे को, मैं डायरेक्टली इनको किबल खिला के टेम कर सकता हूँ यार करप्टेड वालों को, लेकिन ऐसा नहीं था भाई, ये नॉट टेमेबल है, हमको इनको सिर्फ इवॉल्व ही करना पड़ता, ऐसे अपन कुछ कर नहीं सकते। ओके ठीक है फिर इतनी भाई मेहनत भाई पानी में, कोई ना चलो लेट्स गो। वेट 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 अपन देखते थोड़ा सा गूगल बाबा पे रिसर्च करके आता हूँ सैप इस मैप में कहाँ पे मिलता हूँ, मैं देखता हूँ उनको। 5 minutes later तो गाइज यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा गूगल बाबा के ऊपर जाने ही वाला था रिसर्च करने के लिए, तभी मेरे को याद आया कि भाई इस मैप में तो भाई एक डेजर्ट बायोम है भाई, डेजर्ट बायोम में मेरे को पता है सैप कहाँ पे मिलता है, तो मैं बोला चलो भाई गूगल बाबा से पूछने से पहले थोड़े से अभी पहले खुद का दिमाग चला लेते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमको यहाँ पे सैप मिलता है कि नहीं। डेजर्ट बायोम में एक्चुअली में ऐसे पेड़ होते जिन सूखे हुए पेड़ होते जिनको अगर आप तोड़ोगे तो उसमें से आपको कैक्टस कैक्टस नहीं वो येल्लो वाला सैप मिलता है, मे बी यहाँ पे भी हो वैसे पेड़ शायद, पता नहीं लेकिन डेजर्ट बायो में तो मैं भी हो सकते हैं। ओके ये कैक्टस है, हाँ ये रहा सुखा हुआ पेड़, आई थिंक इसमें से मिलना चाहिए, ये इस टाइप नहीं होता, ये ऐसे 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 तरीके का नहीं होता, रुक जाओ इससे टूटेगा क्या ना, वाह भाई वाह ओवरवेट हो गया भाई लोंडे, ऐसे नहीं करना भाई, आई आई ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना भाई, पेड़ी बन जाएगी मेरी भाई डायरेक्टली, तुरंत ओवरवेट नहीं होना, ये नहीं है वो पेड़, रुक जाओ वो पेड़ होते सूखे हुए गोल गोल टाइप पेड़, इसमें से तो मेरे को वुडी मिला मिले जा रहा है, ये नहीं है पेड़, रुक जाओ मेरे को ढूंढने दो यहाँ पे, आई थिंक होगी इस बार यहाँ पे भी पेड़ होंगे यार वो, ये तो कैक्टस वाले में से तो मेरे को मिलेगा नहीं यार, कैक्टस में से तो नहीं मिलेगा, मेरे को दूसरे पेड़ चाहिए, सूखे हुए नहीं लेकिन नॉर्मल भी मिले ना, वो राउंड राउंड ऐसे उनको पत्ते नहीं होते छोटे छोटे पेड़, रुको ढूंढ लेता हूँ, वेट 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 आई थिंक ये रे अरे ये तो कैक्टस है यार, तो कैक्टस के पेड़ है, ओ मिल गया, ओ यही है भाई, 220 सैप मिल गया, बस हो गया भाई भाई ये बस हो गया भाई, और ज़्यादा नहीं चाहिए, निकल लो भाई निकल लो, सामने कार्नो दिखाई दे रहा है, वैसे उसको मार तो सकता हूँ मैं तो, टेलीपोर्ट मारने से पहले जितना उठा सकता है उठा ले। अच्छा मारा कि नहीं भाई, कुछ चला था कि नहीं उस पेड़ के ऊपर, कोई भी पता नहीं। चलो भाई अपन आ चुके हैं भाई, निकल भाई यहाँ से निकल जा। ओके नाइस एक्सलेंट वर्क, और यहाँ पे अभी अपन बनाने वाले हैं भाई करप्टेड नूडल और उसको खिलाने वाले हैं और भाई करने वाले भाई स्पाइनो को करप्टेड, 220 इनफ है, थैच बीच डाल दिया इसी के अंदर करप्शन में हेरबी को। चलो भाई बन गया, बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है, इनका अगर यूज़ नहीं है ना तो मेरे को इसको क्रायो करके रखना है, अगर मैं क्रायो करके नहीं रखूँगा डायरेक्टली वो करप्टेड हो जाएगा, करप्टेड मतलब वाइल्ड हो जाएगा और भाई फिर पेलम पाल दे देगा भाई सबको। वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट है ना, रुक जाओ आर्टिफैक्ट कितने मेरे पास, इतने से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट है यार, इतने से आर्टिफैक्ट तो नहीं होंगे मेरे पास, 3 आर्टिफैक्ट है। ओके ठीक है चलो कोई ना लेट्स गो। चलो गाइस टाइम आ चुका है ओरिजिन ले लेता हूँ ना डैमेज टेस्ट करने के लिए, ओरिजिन ले लेता हूँ ना डैमेज टेस्ट करने के लिए। वेट ओरिजिन हियर वी गो, 1 2 3 वैसे बेसिक डैमेज आपको इसका पता नहीं होगा तो मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ, पर आपको इसका बेसिक डैमेज पता नहीं कितना दे रहा था। ये बॉसेस ले लूँ क्या, बॉसेस ले लूँ क्या, वापस मरना है क्या, मरना तो है भाई बॉसेस ले लेता हूँ। वेट मेरे को ये सारे बॉसेस बिसेस बना के रखने पड़ेंगे यार, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बना के रख दूंगा भाई ओरिजिन ब्रिजन को मार के, क्योंकि भाई इनके ऊपर ही भाई अभी अपना डैमेज टेस्ट चलने वाला है भाई,
एलिमेंट कितने भाई, एलिमेंट भी डाल दे इसके अंदर, ये जब तक बॉस बन रहे। ओके हियर वी गो। ओ भाई ये देख रहा हूँ कितने भाई डिमोनिक्स, और 76 है मेरे पास। वाह भाई वाह, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ओके ये रहा भाई अपना सिलिस्टल स्पाइन हो, ठीक है। अपन इसका पहले आपको डैमेज दिखा देते हैं, हम इसका डैमेज चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओ, 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 ओ नीचे नहीं करना यहाँ से, अरे नीचे नहीं करना। ओके ओके नाइस, एक्सलेंट वर्क। हियर वी गो, बेसिक डैमेज है 16,000, 17,000 कुछ डैमेज है इसका। हाँ 16,000 इसका डैमेज है। पावर अप के बाद इसका डैमेज आई थिंक 24,000 है, देख रहे हो 24,000 है ये। एंड पानी में जाने के बाद आई थिंक 26,000 है। हाँ पानी में से अगर बाहर निकलूंगा तो 26,000 का डैमेज दे देता है ये, बेसिकली 24,000-26,000 का दे देता है। मेरे को स्पीड चाहिए। नाइस ओके अभी इसको अपन बनाने वाले करप्टेड। करप्टेड बनाने से पहले मेरे को थोड़ा सा सेफ जगह पे जाने दो, मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है। इसका पावर डाउन व्यू डाउन करनी पड़ेगी, इसका सैडल निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सैडल नहीं निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वेट यहाँ पे, अबे यार डैमेज खा लिया यार। एक काम कर इसका सैडल निकाल। कौन आ गया भाई, कॉम्पी आ गया क्या? एक्सपी पोशन निकाल दे। इसे सारा सामान तो इसमें से निकाल दिया था मैंने। करप्टेड नूडल डाल दे। एंड गाइस क्या आप रेडी हो? हियर वी गो, करप्ट डाइनो, लेट्स गो। 1 2 3 टडा टडा, हो जा ना, हो जा। ओ यस भाई साहब, हो चुका है भाई करप्टेड सिलेस्टियल स्पाइनो अपना रेडी यहाँ पे। स्पाइनो का सैडल पहना दी इसको। नाइस, ए बंद करना वाला, बंद कर मेरे बच्ची। ओके हियर वी गो, डैमेज दिखा। 17 million, अबे हाँ इसकी लेवल अब तो मैक्स है ना, करप्टेड होने के बाद आप लेवल नहीं डाल सकते, मैं भूल गया था भाई। डैमेज उतना ही है क्या, डैमेज क्या उतना ही है क्या? 23 समथिंग था ना, 23 में भी 28। ओके मतलब 2 या 3 million से डैमेज बढ़ चुका है, 2 या 3 million से, ज़्यादा नहीं, 28 हो चुका है, ठीक है। आई थिंक 30 पे चला जाएगा ये डैमेज, 30 पे चला जाएगा मेरे को ऐसे लग रहा है, ये 30,000 पे चला जाएगा अगर मैं पानी में चला जाता हूँ ना। एंड पानी में से अगर मैं इसे मारता हूँ तो 32,000। नाइस, काफ़ी बढ़िया यार। हियर वी गो, एक्सीलेंट वर्क। नाइस यार, सही है यार, मतलब मैंने सोचा था कि कुछ 50-60 डबल ट्रिपल डैमेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 32 से मैं खुश हूँ, मतलब उतना भी बुरा डैमेज नहीं है भाई 32,000। ओके तो यहाँ पे भाई अपन एक काम कर रहे थे, फटाक से ओरिजिन को बुला लेते। रुक जाओ, ओरिजिन अर्जिन अर्जी को आप ही चला गया। आओ ये रहा, ये ले भाई, खत्म। 27,000 दिया भाई, 17,000 भाई, 19,000 क्या डैमेज दे रहा है, 23 के 3 डैमेज भाई, खत्म। नाइस। एक मिनट, एक और इसके ऊपर में फायर, अपना फायर ब्रीथ वाला अटैक मैंने चेक ही नहीं करा, कितना है भाई। ओ भाई 180 million डैमेज दे रहा है भाई, ये देखो। अरे यार सी वाला नहीं, एक्स वाला अटैक यूज कर। रुक जाओ एक्स वाला अटैक देखो, ये देखो। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को वो 100 million इसका दिया था क्या, सी वाला अटैक दिया था 100 million। मेरे को लगा फायर ब्रीथ का अटैक कितना ज़्यादा है इसके, तो ज़्यादा है ही नहीं लगता है। रुक जाओ, ए दो पैरों पे खड़े होके कितना देगा, निकलना भाई। एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं दो पैरों पे खड़े हो जाओ तो कितना डैमेज देगा? ओ इसे 31 दे रहा है, दो पैरों पे खड़े होके 31 दे रहा है, अभी कितना देगा? 35। नाइस यार, खतरनाक भाई, 35 million डैमेज दे रहा है भाई, कतई ज़्यादा खतरनाक। बुला भाई ओरिजिन को, अभी डरता नहीं अपन। बिंदास बुला, सबको बुला, डैमेज ऐड कर, ये ले दो भाई। माँ का, भाई का, बाप का, दादा का, दीदी का, सबका बदला लेगा रे भाई, खत्म भाई। ये ज़्यादा टिक ही नहीं पाएगा भाई मेरे सामने कोई। आजकल ओरिजिन को मारने में उतना मजा नहीं रहा भाई, ये डायरेक्टली मर जाते। ये देखो इस पार्नो भागते भागते हमेशा की तरह मर जाएगा, ये देखो मर गया। उसके बाद ये रैप्टर मेरे नीचे फंसा हुआ है, वो भी मर गया। उसके बाद कौन है, एक वाइब्रन बचा हुआ है जो कि मेरा पीछा करेगा। उसके बाद मैं इसे इसको पानी में लेके आऊँगा, उसके बाद ऐसे ये फेंकूंगा जो मिस हो गया। ये कौन था भाई, डिमोनिक? ओ वाह, ये बचा, रैप्टर बचा हुआ है क्या? अरे मेरे रैप्टर, मेरे बच्ची, ये ले, मर जा भाई, खा गया भाई उसको तो। ओके ये ले भाई, 47,000, 18,000। ओ भाई आरजी भी बचा है क्या, आरजी बचा हुआ है, वाइब्रन की तो बेड़ी बन गई। आरजी कहाँ पे भाग रहे हो सर,
ये मैंने तो मेरे आरजी को मारा था, ये दूसरा आरजी है भाई, ये मैंने स्पॉन करा हुआ आरजी नहीं है, ये दूसरों का आरजी है भाई, ये ले मर जा भाई, मर जा मर जा मर जा। नाइस, एक्सलेंट वर्क भाई, एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क। अभी आती है भाई इंतहाम की घड़ी भाई, इंतहाम की घड़ी। हम बुलाने वाले पहले इसको बुला लेता हूँ ना, इसको बुला लेता हूँ, रुक जाओ। ओके, थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा सा दूर रहे। ओके नाइस, ओके एक्सलेंट वर्क, ऑल राइट 18, नाइस एक्सलेंट वर्क, नाइस डेड, खत्म। काफी बढ़िया भाई, काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। कितना डैमेज गया भाई? 28, 28, 33, 3, नाइस भाई, काफी बढ़िया भाई, काफी बढ़िया, एक्सलेंट वर्क। अभी भाई एकदम मुश्किल की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि हम हमेशा इसमें मरते भाई, हमेशा। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि भाई हम इसको मारने के लिए गए हो और भाई एक भी बार नहीं मरे हो, हमेशा मरते अपन। लेकिन इस बार नहीं, इस बार ऐसे होने नहीं दूंगा मैं, इस बार ऐसे होने नहीं दूंगा मैं। क्या तो मारती रहे मेरे को, इस बार दे जिगल अटैक, इस बार दे जिगल, इस बार नहीं होने दूंगा भाई, इस बार नहीं होने दूंगा। मारना भाई, अबे मारना भाई, मेरे को बिठा तो ले, मार नहीं सकता, मेरे को बिठा तो ले, मेरे को बिठा ले। राइड कर, राइड कर, पावर अप, पावर अप नहीं भाई, राइड कर, राइड कर, राइड, हाँ नाइस भाई, राइड करा था, जस्ट राइड करा था भाई। शिट शिट यार, शिट 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 भाई। डिमोनिक इंपरर तब तक भाई नजदीक पहुंच गए यार भाई, काफी ज्यादा दूर थी यार, वो आ ही नहीं पा रही थी यार। ये सिकर ने गेम बर्बाद कर दिया यार, सारा भाई पैसा बर्बाद भाई। डिमोनिक को मैं वापस नहीं बनाने वाला भाई, बहुत हो गया भाई, मैं डिमोनिक वापस में बनाने ही वाला भाई। मजाक कर रहे भाई, हर बार मार के चली जाती है भाई, हर बार मार के चली जाती है, हर बार भाई, हर बार भाई, हर बार वही होता है भाई, वैसे आती है भाई, पट्ट से भाई एक हेडशॉट देते और चली जाती है। इस बार थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के भाग तो रहा था, लेकिन अपना दिमाग ज़्यादा चला नहीं वहाँ पे। डिमोनिक चल भाई, डिमोनिक सर जी चलो जरा सा, अभी थोड़ा सा तबाही मचा के आते भाई। ये डिमोनिक बंदर जो है ना, वो रिपर को मारने के लिए एक नंबर है भाई। डिमोनिक बंदर को भाई कुछ भी नहीं कर सकती वो, डायरेक्टली पहली फुर्सत में भाई डिमोनिक बंदर उसको मार सकता है। बम फेंक भाई अपने पिछवाड़े से, और यही पे था ना, यही पे सुमड़ी में कोने में लेके मारा है ना मेरे को, यही पे कोने में मारा है, रुक जाओ। ओ ये रही, ये रही, बम फेंक, बम फेंक, बम फेंक, 2000 बेस क्या, ले 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 ले, डेड, नाइस एक्सलेंट वर्क भाई, एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क, खत्म भाई। कोई बचाए शिकर भी कर, ये लो शिकर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। मर गए क्या? डेड बॉय, डेड, नॉइस, नॉइस भाई। देख रहे हो भाई, अपने भाई डिमोनिक बंदर से कोई पंगा ले ही नहीं सकता भाई, खतरनाक है भाई ये। मैं सुबह दिखस, एक काम कर भाई, बेस पे चला जा। थैंक यू सो मच बंदर, बंदर सिंह जी। ओके, और ये रहा भाई अपना करप्टेड सिलेस्टियल स्पाइनो। मैंने आपको इसका लुक दिखाया क्या? लुक देख लो भाई, लुक देख लो भाई, लुक इसका काफ़ी अच्छा है भाई। व्हाइट कलर के साथ जो करप्टेड है ना भाई, ये आसमान में उड़ रही है क्या? आसमान में चली गई भाई इसकी डेड बॉडी। व्हाइट कलर के साथ ये जो करप्शन आया है ना इसमें, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी कूल लग रहा है यार, काफ़ी कूल लग रहा है। नाइस नाइस, ये बॉय खतरनाक यार, खतरनाक लग रहा है ये। ओपी भाई, थोड़ा सा डेजर्ट बम में जाके थोड़े से एक दो बम डाल के आ जाए, रुक जाओ वहाँ पे जाके थोड़े से एक दो बम डाल के आ जाते, रुक जाओ जमकर ऐसे। ओ इसको फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पिछली बार तो अपने नॉर्मल वाले को नहीं पड़ा था, तो इसको भी नहीं पड़ेगा, फॉल डैमेज नहीं पड़ता भाई स्पाइनो को। काफ़ी बढ़िया भाई, एक्सीलेंट वर्क। लो भाई 2 मिलियन का डैमेज, और पावर अप के बाद कितना देता है ये डैमेज, पावर अप के बाद कितना है भाई डैमेज? 1 मिलियन, लिटरली भाई मजाक कर रहे हो? 18 मिलियन भाई, 18 मिलियन डैमेज दिया, देख रहे हो भाई, खतरनाक यार। नाइस, काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया, नाइस यार, मेरे को काफ़ी पसंद है। आई ड्रैगन है यहाँ पे, रुक जाओ ड्रैगन को दिखा था, रुको ड्रैगन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, निकल पहली फुर्सत में, चल ड्रैगन इधर आ, ड्रैगन 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 भाई, परिंदों को ऐसे काट करके मार सकता हूँ मैं। ये ड्रैगन को टेम करने के लिए क्या चाहिए? प्राइमल ड्रैगन है क्या? नॉट टेमेबल, ओके ठीक है फिर, ठीक है नॉट टेमेबल है तो तू मेरे किसी काम का नहीं, मर जा, मर जा भाई, मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा भाई। आगे के 3-3 गोले छोड़ रहा है एक साथ, खत्म भाई, नाइस एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट वर्क, ठीक है
तो गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का जो एपिसोड है गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही। ये सिलेस्टियल जो करप्टेड स्पाइनो है ना, ये भाई मेल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में सिलेस्टियल करप्टेड स्पाइनो के लिए मेल वाले नाम भाई सजेस्ट करना नहीं भूलने का। तो गाइस आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल वॉल के प्राइमल फेयर के अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको आएगा पसंद तो भाई फटाफट नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा भाई सब्सक्राइब का, उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना यार। गेमिंग भी यानी भाई 30,000 सब्सक्राइब के काफी ज्यादा नजदीक है, तो जिन्होंने भी उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर देना। तो गाइस आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल वॉल के प्राइमल फेयर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू लेटर। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more.